ये दही बड़े एकदम रुई से सॉफ्ट, मुलायम और जूसी है। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितने सॉफ्ट है, मुंह में जाते ही घुल जाए। इसके अंदर कितने ईयर पॉकेट्स बने हैं, और जब आप ये खाएंगे तो एकदम जूसी, मुलायम और फ्लेवरफुल भी लगेगा। तो बनाते हैं इसे। हेलो फ्रेंड्स, मैं रैनी तिवारी, इनको चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दही भल्ले बनाएंगे। इसे होली के टाइम पर बनाया जाता है और चाट के रूप में सर्व करते हैं। एकदम सॉफ्ट और फूले फूले दही भल्ले बनाने के सारे टिप्स आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलते हैं किचन में। सॉफ्ट दही भल्ले बनाने के लिए हमने 2 कप उड़द की दाल ली हुई है। इसे हमने 5 से 6 घंटे के लिए पानी में सूख कर दिया था। अब ये अच्छे से फूल चुके हैं और अपने साइज से डबल भी हो चुका है। और इसका सारा पानी छानकर हम एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र करेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो 2 से 3 टेबल स्पून पानी डाला जा सकता है, बट हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना, वरना फ्राई करते वक्त बड़े तेल एब्जॉर्ब कर लेगा। अब इसका लीड लगाकर फाइन ग्राइंड कर लेंगे। हमने इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाकर रेडी किया, मगर ये बहुत ज़्यादा फाइन नहीं है। हमें इसे बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी में बनानी है। अब थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे, 1 इंच बारीक कटी हुई अदरक डालेंगे, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। फिर अपने बैटर को अच्छे से फेटेंगे। इसे इतना फेटना है कि ये बिल्कुल लाइट वेट हो जाए, तो इसे 8 मिनट के लिए फेटना है। और फेटते वक्त इस बात का खास ध्यान रखना है कि हम इसे एक ही डायरेक्शन में फेटें, तभी हमारे बड़े अच्छे से फूल पाएगा। इसे फेटते हुए 8 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल लाइट वेट हो चुका है। ये अच्छे से फेटी है या नहीं इसे चेक करने के लिए हम पानी से भरा हुआ एक बाउल लेंगे और इसमें थोड़ा सा बैटर डालकर देखेंगे। अगर ये इस तरह ऊपर आ जाए तो इसका मतलब हमारा बैटर रेडी है। ये देखिए, मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, पानी में ये फटाक से ऊपर आ जा रहा है और इसका शेप भी बरकरार है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। बड़े तलने के लिए हमने कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डाला है और इसे हाई फ्लेम पर रखेंगे। अब अपने हाथों को पानी से गीला कर लेंगे ताकि बैटर हाथों पर चिपके ना। एक एक करके बड़े कढ़ाई में ऐड करेंगे और इसे हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर डालेंगे, वरना ये आपस में चिपक सकता है। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग थोड़े छोटे या थोड़े बड़े बड़े बना सकते हैं। और कढ़ाई में इसे ऐड करके हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अगर हम इसे हाई फ्लेम पर तलें तो ऊपर से कुछ ज़्यादा ही क्रिस्पी हो जाएगा और अंदर से कच्चे रह जाएगा, और ऐसे बड़े पानी को एब्जॉर्ब करके बिल्कुल भी फूल नहीं पाएंगे। और अगर लो फ्लेम पर इसे सेका जाए तो ये वेल एब्जॉर्ब कर लेगा और पानी में जाकर ये सौगी हो जाएंगे। बड़े इतने अच्छे बने हैं कि फ्राई होने के बाद ये खुद से तेल में पलट जा रहे हैं। अब ये अच्छे से गोल्डन हो चुका है। एक बार के बड़े को सेकने में हमें 6 मिनट का समय लगा है। इसे कढ़ाई से बाहर निकालेंगे और सीधा ही पानी में ट्रांसफ़र करेंगे ताकि ये फूल कर अच्छे से डबल हो जाए और एक्स्ट्रा ऑयल भी इसे बाहर निकल जाए। इस तरह सारे बड़े बनाकर हम पानी में ट्रांसफ़र करेंगे। एक बाउल हमारा बड़े से भर चुका है, तो हमने इसे दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र किया। इसे 10 मिनट के लिए यूँ ही छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। बड़े अच्छे से फूल कर डबल हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं सर्विंग के प्रोसेस में। सर्व करने के लिए हम बड़ों को इस तरह हाथों से दबाकर एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे और इसे एक सर्विंग प्लेट में रखेंगे। हम इसे बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल सर्व कर रहे हैं। हमने यहाँ फेटी हुई दही ली है, आप इसमें 2 चम्मच चीनी डालकर अच्छे से फेंट लें। अब हम बड़ों के ऊपर दही ऐड करेंगे। आपको जितनी दही पसंद हो आप उतनी ऐड कर सकते हैं। ये बड़े खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। दही भले मेरे फेवरेट रेसिपीज में से एक है। अब इस पर हम भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। ये दही भले का मेन इंग्रेडिएंट है। अब आधी छोटी चम्मच काला नमक ऐड करेंगे, फिर मीठी लाल चटनी डालेंगे, अब तीखी हरी चटनी ऐड करेंगे और लास्ट में थोड़े से हरे धनिया के पत्ते से इसे गार्निश करेंगे। तो लीजिए, हमारा सुपर सॉफ्ट दही भल्ला चाट बनकर तैयार है। तो आप भी बनाइए, खाइए और अपना एक्सपीरियंस इंडियन फूड रजनी के साथ शेयर करिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ फॉर डेली रेसिपी वीडियोस एंड
press the bell icon to never miss an update from Indian Food Resni YouTube channel.